बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। हजारों सालों से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, इमोशनल पर्पस के लिए और फिजिकल पर्पस के लिए। लेकिन सवाल ये आता है कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बॉडी कैसे अफेक्ट होती है मेडिटेशन से। दोस्तों, मेडिटेशन एक्चुअल में आपका ब्रेन का साइज चेंज कर देता है। एक स्टडी जो कि 2011 हार्वर्ड में डॉक्टर सैरा लेजर ने कंडक्ट की थी, जिससे पता चला कि सिर्फ 8 हफ्ते की मेडिटेशन से आपका ब्रेन साइज 3 बहुत इंपॉर्टेंट जगहों से चेंज होता है। पहला आता है लेफ्ट हिप्पोकैम्पस, जिससे आपकी कोई भी नई चीज सीखने की एबिलिटी और आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो आपका माइंड बार बार नए नए थॉट्स लाता रहता है उस चीज को कम करने के लिए, यानी ये इंक्रीज करेगा आपका फोकस। इस स्टडी से ये भी प्रूव हुआ कि जो सेल वॉल्यूम है आपकी ब्रेन के हिस्से एमिग्डाला में, उसे भी ये कम करता है। और ब्रेन का ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है डर, स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए। मेडिटेशन का दूसरा बेनिफिट आता है कि ये आपको आपकी बुरी आदतों को कंट्रोल करने में मदद करता है। एक स्टडी जो 2015 में की गई थी, उससे हमें पता चला कि मेडिटेशन ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसे ग्रो करता है और ये पार्ट डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे विल पावर से। एक स्टडी में शराब पीने वाले लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। उनमें से एक ग्रुप को 8 हफ्ते तक मेडिटेशन सिखाई गई, जबकि दूसरे ग्रुप को एक 12 स्टेप्स का प्रोग्राम। जब एक साल के बाद दोबारा से देखा गया कि इन दोनों ग्रुप में से कौन से ग्रुप वालों ने दोबारा से शराब पीना स्टार्ट कर दिया है, तो पता चला कि ग्रुप बी में से 20% लोगों ने दोबारा से शराब पीना स्टार्ट कर दिया है, जबकि मेडिटेशन वाले ग्रुप में सिर्फ 8% लोगों ने दोबारा शराब पी। नेक्स्ट बेनिफिट जो हेल्थ का है वो ये है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एक स्टडी में पता चला कि मेडिटेशन हमारे ब्लड का CRP लेवल कम कर देता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि डायरेक्टली बेनिफिशियल है हमारे हार्ट के लिए, और हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम इन लोगों को बहुत कम होती है। इसी स्टडी से ये भी पता चला कि मेडिटेशन से पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी जो कि 2010 में की गई थी, नोबेल प्राइज विनर बाय एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, जिन्होंने प्रूव किया कि मेडिटेशन आपकी बॉडी को जेनेटिक लेवल में भी चेंज करता है। इन्होंने प्रूव किया कि हमारे क्रोमोसोम्स में एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसका नाम है टेलोमियर्स। हम में से जिन लोगों को ये नहीं पता कि टेलोमियर्स क्या होते हैं, तो छोटे टेलोमियर्स की लेंथ बताती है कि हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, और मेडिटेशन टेलोमियर्स की लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन का बेनिफिट है वो है कि मेडिटेशन आपको खुशी प्रोवाइड करता है। एक बहुत ही फेमस स्टडी जो कि 2004 में की गई थी रिचर्ड डेविडसन के द्वारा, जिन्होंने साधुओं के, पुजारियों के, मॉन्क्स के सर पे इलेक्ट्रोड रखे और उनके ब्रेन स्कैन्स लिए, और ये सारे पुजारी जो कि सालों से मेडिटेशन कर रहे थे, इन लोगों के ब्रेन स्कैन से पता चला कि इनके ब्रेन से 30 times ज्यादा गामा वेव्स निकलती हैं, और गामा वेव्स डायरेक्टली रिलेटेड है खुद को कंट्रोल करने के लिए, इंटेलिजेंस के लिए और खुशी के लिए। और जो लोग डेली मेडिटेट करते हैं वो पॉजिटिव इमोशन से घिरे रहते हैं और खुश रहते हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मेडिटेशन से होगा क्या। मेडिटेशन का जो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप रेडियो को ट्यून कर सकते हैं, उसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने माइंड में चल रहे थॉट्स को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और जो आप चाहें एग्जैक्टली वही सोच सकते हैं। यानी आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, डिस्पाइट कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप ध्यान से सोचें तो ये किसी पावर से कम नहीं है। आप अपनी स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, फोकस को, कॉन्सेंट्रेशन को, सब पर कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आप कभी भी अपने माइंड की वॉइसेस को सुने तो आपका माइंड हमेशा किसी ना किसी को जज कर रहा होता है, आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहा होता है, कंप्लेन कर रहा होता है, किसी को पसंद कर रहा होता है या फिर किसी से नफरत कर रहा होता है, और ये थॉट्स हमेशा आपके दिमाग में चलते रहते हैं और आपका उन थॉट्स पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। यानी बेसिकली मेडिटेशन आपको एक ऑफ बटन, ऑन बटन और एक फाइन ट्यूनिंग बटन देता है उन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मेडिटेशन के दौरान हमें करना क्या है। तो हम शुरू करेंगे माइंडफुलनेस ब्रीदिंग मेडिटेशन से, जिसका मतलब है कि आपको अपनी ब्रेथ पे, सांस पे फोकस रखना है। आप फोकस कीजिए किस तरीके से आप अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं, किस तरीके से आप अपनी सांस अंदर लेते हैं, और इन दोनों एक्सहेल और इनहेल के बीच का टाइम, और आपको यही चीज बार बार करते रहनी है। अपना फोकस, अपना ध्यान, अपनी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ अपनी ब्रेथ के ऊपर,
किस तरीके से आप एक्सहेल कर रहे हैं, उस हवा को फील कीजिए और किस तरीके से आप इनहेल कर रहे हैं। अब होगा ये कि स्टार्टिंग में आपके थॉट्स इधर उधर जाते रहेंगे, कभी आपको किसी और का ख्याल आ जाएगा, कभी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, और इसी चीज पे कंट्रोल करने के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं। ये एक बैडमिंटन की गेम की तरह होगा। आप दोबारा से फोकस करने की कोशिश करेंगे अपनी ब्रेथ के ऊपर, दोबारा से आपके थॉट्स कहीं और जाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा और धीरे धीरे आपका फोकस का टाइम इंक्रीज होता रहेगा और आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकेंगे, ना कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा, क्योंकि हमारा माइंड हमारा एक टूल है और इसे हमको कंट्रोल करना है। और अगर आप ध्यान से सोचें तो आपका फोकस, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका डिप्रेशन सब इन थॉट्स पे ही बेस्ड है। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप चाहें आप वो सोच सकते हैं, इससे आप अपना फोकस लेवल इंक्रीज कर सकते हैं और अपना डिप्रेशन और स्ट्रेस डिक्रीज कर सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ और मेमोरी दोनों